अरे आमना, आप? अरे जाहिद, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आप कर क्या रही हो यहाँ पे? ओ बस फ्रिज नया आया था, मुझे गर्मी लग रही थी, मैं अंदर आके बैठ गई। अब बहुत ठंड लग रही है, प्लीज निकालो बाहर। नहीं अब सुकून करो आप थोड़ी देर, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है अंदर ही रहो। नहीं नहीं प्लीज रुक जाओ, अंदर बहुत अंधेरा है, दरवाजा मत बंद करना। और मेरे पीछे ना स्पाइडरमैन पड़ा हुआ है। और एक और बड़ी मजे की बात, बहुत मजे की बात, आप लोगों को सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा, वो ये है पिछले एक वीक से या फिर 10 दिनों से हमारे घर में फ्रिज नहीं है। कट्टे का गोश्त छोड़ो यार, मतलब हमारे घर में फ्रिज नहीं है और हम परेशान, मतलब क्या कहने हैं, हमारा फ्रिज हो गया था खराब। ठीक है फ्रिज खराब हुआ है तो हम लोगों ने कहा कि उसको ना बस एक दफ़ा चलने दें। फिर हमने शॉप पे भेजा उसको सही करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी ये कबाड़ियों को भेज दें, इसके अंदर कुछ कख भी नहीं बचा है, तो पता नहीं क्या करता है वो। मेरी शादी का ठीक करवाओगे तो ये चलेगा नहीं, आप नया ही ले लो, आप नया ले लें। तो हमने सोचा कि हम ये ठीक करवा कर ना किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं, तो वो अब जो है ना वो हम लोगों ने ठीक करवा के किसी के मतलब दिया है, ताकि वो अपने इस्तेमाल में ले आए और हमें दुआएं दें। बर्फ़ की बड़ी किल्लत हुई खड़ी है हमारे घर में, और जो भी चीज़ बच जाती है, आटा सालन कुछ भी घर में जो बनता है खाना, वो सारा का सारा ना वेस्ट हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो ऐसे बबल्स बनने लगते हैं उसके अंदर, वो मतलब फिर क्या उसे फाड़ने के लिए जाते हैं, खाने के अंदर बबल जो बनते हैं खराब हो जाता है। खाना बुलबुले देने लग जाता है तो सारा कुछ खराब हो जाता है। तो मैंने कहा भाई अब बस बर्दाश्त खत्म हो गई है, प्लीज खुदा का वास्ता फ्रिज ले दें। और ईद पे तो वैसे भी किसी के घर से बर्फ शर्फ नहीं मिल सकती, गर्मी में सारे खुददार हो जाते हैं, किसी घर से बर्फ मांगने जाओ वो कहता नहीं जी हमें खुद जरूरत है, देते हैं। जाहिर सी बात है पिछले दिनों हम बहुत ज्यादा परेशान रहे, लेकिन खैर फाइनली आज हम लोग फ्रिज लेने के लिए जा रहे हैं। तो अब उस शॉप पर आ गए जहाँ से हम लोगों ने फ्रिज उठाने, शायद हायर का लेंगे हम लोग, पहल का और हायर का था। लेकिन डबल डोर वाला फ्रिज लेने का मैं सोच रही थी, लेकिन जिस जगह पर हम लोगों ने रखना है वो वाला एरिया स्पेस बहुत कम है, वहाँ पर तो नहीं आएगा। खैर जब मैं ऊपर वाले पोर्शन को सेट कर रही हूँ अभी, तो उसमें हो सकता है कि वो फ्रिज वहाँ पर लेकर रखें। आप लोगों के घरों में कौन से फ्रिज हैं, क्या मतलब कौन सी कंपनी को आप समझते हैं कि ये ऑथेंटिक है, मतलब इनकी चीज़ें सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी होती हैं। हमारे घर में ना ज़्यादा चीज़ें हैं ना हायर की हैं, तो वो हमें ठीक रहती हैं और लगती हैं कि ये काफ़ी लॉन्ग रन में चल जाएंगी। तो बस फिर अभी मैंने इतनी गप्पे मार ली हैं और दुकान आ गई है, मिलते हैं अभी विलेज वाले शॉप के ऊपर। ये इस कलर का आपका डिस्पेंसर भी है ऑलरेडी, हाँ है ना। ये वाला कलर तो कॉमन सा कलर है, ये वाला ना ग्रे, ये वाला भी और वो जो पड़ा हुआ है बड़े साइज में भी ग्रे है। रेड वाला कैसा है? रेड भी अच्छे है, है? अच्छे है। इसकी स्पेस देख, ये इससे बड़ा साइज कौन सा है? वो इससे बड़ा साइज, इस साइज में मिल जाएगा आपको। अभी है थोड़ी देर पहले राइटर पे मिल जाएगा, बहुत से थोड़ी देर पहले में है ये फुटबॉल साइज, ये सिंपल है सर, मैंने शेप में इसमें गोल्डन कलर मिल जाएगा आपको। इस तरह ये दिखाएं, इस तरह जो वाइट की होते हैं ना वो है, इसी में शीशे वाला सही हो जाएगा, जैसे वो आपने देखे रेड नेहरू और वो शीशे वाला है, ग्लास में कहते हैं उधर जो है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पड़ी है, उधर से जाके देखने पता है। ये तो सेम ही है ना, सेम कलर्स पड़े हुए हैं, इनमें साइजेस का डिफरेंस है। ये तो आम है, ये टच वाले है, ये टच वाले, ये टच वाले, ये बड़ा साइज है, ये थोड़ा सा 8 से 10 हज़ार का फर्क है इसमें प्राइस का। अच्छा तो ये टेक्नोलॉजी नई है क्या? इसमें क्या नया है, इसमें क्या चीज़ नहीं? इसमें मतलब टेक्नोलॉजी अंदर वो कंप्रेसर की थोड़ी सी, वो कह रहे हैं कि ये वोल्ट थोड़े से कम वोल्ट पे भी चल जाता है। ठीक है। और ऊपर से टच सिस्टम है, टेम्परेचर वगैरह का सेट करना है या फंक्शन वगैरह, सही ये भी आपको बता रहा होता है, ऊपर टेम्परेचर वगैरह बता रहा होता है, मतलब पूरी LCD लगी हुई है सब।
वो जो वो रेड पड़ा है ना वो उस रेड उसी मतलब टेक्सचर में ग्लॉस में ठीक है इस टावर ये जो टावर साइज में पड़ा है ग्रे कलर में ये वो कहते हैं हमारे गोडाउन में पड़ा है वहाँ से मंगवा दिया है क्योंकि ये जो है ये काफ़ी चौड़ाई में ज़्यादा है तो हमारे पास किचन में आपकी जो स्पेस है वो कम है तो हमें ये थोड़ा सा चौड़ाई में कम चाहिए ऊंचाई में चाहे हो जाए चौड़ाई में कम और ये पीछे बड़े इनका क्या है से ये इन्वर्टर है ये उसे जो प्राइस का डिफरेंस है वो 49 का बता रहे हैं ये 63 का 49 का ये 63 का बता रहे हैं उसी साइज में और अगर इस पे जाते हैं तो ये मेरा ख्याल है 66 का बता रहे हैं ठीक है बाकी डबल डोर पड़े हैं ये डबल डोर मैं आपको ऊपर के लिए ले दूंगा आपको ऊपर वाला हाँ उसके लिए तो मैंने लेना ही है आपको डबल डोर ले दूंगा इसकी कीमत जा रही है 146,000 132,000 125,000 और मतलब लाख से ऊपर ही है ठीक है ये बड़ा अच्छा टेक्सचर है अगर देखा जाए तो इसी में एक रेड भी पड़ा हुआ है इसी टेक्सचर में लाइनिंग है इसके और ये ब्लैक में पड़ा है बड़ा डिसेंट सा लग रहा है सामने खड़े ये 1,38,000 1,45,000 अगर इसमें जाते हैं आप तो ये 4,00,000 इसमें क्या ये फोल्ड और स्मार्ट किचन है पूरा पूरा ये जो प्रोग्राम्स ऊपर दिए गए हैं ना कि आपने इसको सोक करना है या इसका वाटर लेवल कितना है ये उसके हवाले से मशीन है और इसका जो प्राइस है क्या जी लिखा हुआ है न्यू प्राइस 59,000 है उसके बाद एक ये मॉडल पड़ा है ये जनाब 70,000 का है और ये कुछ इस तरह से दिखता है आप ना खुद ना चली जाना अंदर ये ना हो कि आपको गेड़ा दे दूँगा मैं ये स्पेशल ऑफर भी पड़ी है भाई यहाँ पे ये स्पेशल ऑफर पड़ी है प्रोग्राम दिए हुए हैं मतलब इन्होंने प्री सेट दिए हुए हैं बना के ना और ये कितने का ये 58 की है और ये अंदर से कुछ इस तरह की दिखती है स्टील के बंदे बैठे हैं तो आपने कहा कि जी आप कर दो ये 58 की है जी ये कुछ इस तरह से दिखती है ये हैंड वॉश करती है जिस तरह ये सारी हायर की अप्लाइंसिस पड़ी हैं यहाँ पे ये 3D वॉश है ये कोई और ही टेक्नोलॉजी आ गई वो क्विक वॉश है वो हैंड वॉश है ये 3D वॉश है और ये है जी 62 की ये डबल डोर हैं जी सारे हमें सब खोल के दिखाना है एक अंदर से किस तरह का दिख रहा है LED लाइट नहीं खूबसूरत है अच्छी चीज़ है ये मैं आपको आपके ऊपर वाले किचन के लिए ले दूंगा जब ऊपर वाला किचन आपका रेडी होगा ना तो वहाँ के लिए ले दूँ ये बॉटल्स नहीं पड़ी ये तस्वीर है और ये नीचे भी खीरे नहीं पड़े ये तूरी है और ये इधर ये फिश भी पड़ी है और मीट भी पड़ा है एक्चुअली हम मीट स्टोर करने के लिए ले रहे हैं ये भी इन्वर्टर है नहीं उस तरह का नहीं है वो हॉट एंड कूल होता है ये हॉट एंड कूल नहीं होते इस तरह से नहीं ये मतलब पूरा ही है ये पूरा जो है ना एक ही कंपार्टमेंट है नीचे भी दूसरा इसमें अलग अलग है कंपार्टमेंट हाँ जी इसमें आप वो है ना वो डब्बे से बने हुए हैं बॉक्सेस बने हुए हैं उसके अंदर आप सब्जियां वगैरह रख सकते हैं और ऊपर वाला जो है ना वो आम चीज़ों के लिए है लेकिन फ्रीज़र किधर है इसका फ्रीज़र भी होगा कहीं पता नहीं कहाँ है ये भी लार्ज स्टोरेज के लिए है ये देख लें ऊपर से लेकर नीचे तक ये नो फ्रॉस्ट है वो मतलब वो पंखे वाला जो होता है इसमें फ़ैन लगा होता है ये भी डबल डोर वही है और इधर से कुछ इस तरह का दिख रहा है और बाहर से कुछ इस तरह का दिख रहा है ये बहुत खूबसूरत एलिगेंट है ये कलर अच्छा लग रहा है उसके बाद ये ब्लैक कलर भी बहुत अच्छा है ये यहाँ से सही आएगा वहाँ से तो रिफ्लेक्शन आ रही है यहाँ से सही नज़र आएगा बहुत ही ज़बरदस्त है ये भी डबल डोर है और ये कुछ इस तरह से दिखता है जी मल्टी फ्लोर ये भी नो प्रॉब्लम
और फ्लेक्सिबिलिटी ये उन्होंने ये दे दी है कि आप इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजर्स लगे हुए हैं, ये उतार कर आप इसको जहाँ मर्जी सेट कर सकते हैं, जिस मर्जी हाइट पर, जितनी मर्जी हाइट पर सेट कर। अच्छा ठीक है, खुश हैं? बहुत खुश। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका नया फ्रिज आ गया। कितने का लिए? अच्छा अच्छा, रेडी डाल के, रेडी मिठाई डाल के है। ये खूबसूरत है यार, ये तो मतलब अंदर प्लेट लगी हुई है यहाँ पर, और स्टील प्लेट लगी हुई है, और ये नीचे अलग पोर्शन है। सबके जो स्टाइल है ना, अंदर से डिजाइन है, वो थोड़े से अलग अलग रखे हैं, अलग अलग है। इसकी भी वैसी है, सेम जैसे उसके भी ना। खैर, बाकी और भी कंपनीज हैं, उनके मतलब अपना एक स्टाइल होगा। ये हायर की जो डिस्प्ले पे पड़े हैं, ये उनके जो लेटेस्ट मॉडल हैं वो ये है। ठीक है जी, आज हो गया जी फ्रिज का कारोबार। चलें बाकी ये मुकम्मल इन्होंने किचन सेट किया हूँ, ये बंद हो गया। प्राइस लिखी हुई है, ये देखो 4,80,000 मॉडल भी उन्होंने बता दिए, और ये कुछ इस तरह से दिखता है मुकम्मल किचन। हायर स्मार्ट किचन है, साइड में ज़रूर पसंद आया होगा और सीखने को भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा। नीचे आकर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको होम अप्लायंसेस के हवाले से कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट लगती है। और वहाँ पर बहुत महंगे महंगे फ्रिज पड़े हुए थे, लेकिन मुझे एक साफ़ सुथरा, डिसेंट सा और बर्फ़ जमाने वाला फ्रिज चाहिए था, सो मैं उठा लाई। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।